मेरे उम्मीद से ज्यादा तूने मेरे थाली में परोसा है, कितनी भी मुश्किल दे है ऊपर वाले, मुझे तुम पे भरोसा है। कलकत्ता से सिर्फ बन के यहाँ जो स्ट्रक्चर आई है उसमें 6 लाख रुपया लग गया ट्रक भाड़ा। तो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कलकत्ता से बन के आया? पूरे पंडाल को पिछले 4 महीने से बंगाल में बनाया जा रहा है। तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश को बिहार में पंडाल के माध्यम से दिखाया गया है। बनाने वाले कोलकाता से आए थे ये काथी मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल के बारीक डेकोरेटर, उन लोगों ने इसे बनाया है, इसे डिजाइन किया है और बिहार के श्रद्धालुओं को सौगात के रूप में इस वर्ष 12 लाख लोग आएंगे। 12 लाख? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जगह नहीं रहती है। आप इनकम टैक्स के पास खड़े हो जाइए, आपको चलने की जरूरत नहीं है, भीड़ आपको ठेलते हुए डाक बंगला चौराहा तक दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। नवरात्रा का सीजन चल रहा है और इस वक्त जनता जंक्शन की टीम पहुंची है डाक बंगला चौराहे पे और यहाँ का पंडाल सुप्रसिद्ध होता है, यहाँ का भीड़ भी सुप्रसिद्ध होता है। लोग यहाँ से जहाँ तहाँ आज से आते हैं और यहाँ की दुर्गा पूजा को देखना पसंद करते हैं, इसके बारे में जानना पसंद करते हैं। और देख लीजिए ये जो आपको पंडाल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है, बड़े खूबसूरती के साथ इस पंडाल को बनाया गया है। द्रविड़ जो एक कलाकृति है उसमें इस मंदिर नुमा कलाकृति को बनाया गया है और इसी के ऊपर आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। बिना देरी के हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ कुछ टीम के मेंबर बैठे हुए हैं और बिना देरी के हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे इस पंडाल की विशेषता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है सबसे पहले कोषाध्यक्ष बरुआ जी, क्या नाम हुआ सर, पूरा नाम बता दीजिए अपना। अमित कुमार बरुआ, कोषाध्यक्ष नव युवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड। कितना रुपया लगा इसमें? रुपया का तो कोई अंत ही नहीं है, पंडाल अभी बन ही रहा है। लाखों में? लाखों से? हाँ, लाखों के बिना लाख का कैसे होगा। हाँ। आपका कलकत्ता से सिर्फ बन के यहाँ जो स्ट्रक्चर आई है उसमें 6 लाख रुपया लग गया ट्रक भाड़ा। तो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कलकत्ता से बन के आया? पूरे पंडाल को पिछले 4 महीने से बंगाल में बनाया जा रहा है। बारीक डेकोरेटर काथी मेदिनीपुर के कारीगरों द्वारा पूरे पंडाल को तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश को बिहार में पंडाल के माध्यम से दिखाया गया है इस बार। पूरे पूरे मतलब किस किस चीज को दिखाया गया है फिर से बता दीजिए। पूरा पंडाल फाइबर का बना हुआ है, इसमें हर एक भगवान की 3 फीट की, 4 फीट की, 2 फीट की मूर्तियां बनी हुई है जो कि फाइबर की है और कलरफुल फाइबर है। पंडाल के अंदर का भी देखेंगे, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसके वास्तविक रूप को हम लोग यहाँ दिखाएं। अच्छा, तिरुपति बालाजी के तर्ज पे जो है ये पंडाल बनाया गया है और द्रविड़ जो एक कला होता है द्रविड़ कला में, उस कला में इस पंडाल को बनाया गया है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये बनाने वाले कोलकाता से आए थे? ये काथी मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल के बारीक डेकोरेटर, उन लोगों ने इसे बनाया है, इसे डिजाइन किया है और बिहार के श्रद्धालुओं को सौगात के रूप में इस वर्ष दिया है। अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए कि सप्तमी के बाद जो है देवी का आँख खुल जाता है, कितने लाख लोग आ जाते हैं सप्तमी से लेकर दसवीं तक, क्या एक अंदाजा है? इस बार अष्टमी पूजा और नौमी पूजा एक है तो सिर्फ उस दिन हम लोग को लग रहा है कि पूरे हमारे प्रांगण में सुबह से लेकर के मध्य रात्रि तक 12 लाख लोग आएंगे। 12 लाख? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जगह नहीं रहती है। आप इनकम टैक्स के पास खड़े हो जाइए, आपको चलने की जरूरत नहीं है, भीड़ आपको ठेलते हुए डाक बंगला चौराहा तक दर्शन करते हुए निकल जाएगी। आप लाइटिंग देखिएगा, मेरा जो लाइटिंग इस बार है काफी यूनिक है, बिहार में ऐसा लाइट इस बार नहीं आया है, सुबह से ही भीड़ लगे हुए हैं, कल के अखबार में भी। ऐसा क्या लाइटिंग में लगा दिया सर? जीव जंतु जो आजकल आश्रित हो गया, जैसे आपको छिपकली वो कॉकरोच को खाती है, उस चीज को हम लोग दिखाए हैं। शिव जी के भोले बाबा को, शिव तांडव को हम लोग दिखाए हैं। उसके बाद एक सपेरा है जो बीन बजा रहा है, सांप नाच रहे उसको, जो इस तरह से बच्चों के लिए बहुत मनमोहक चीज हम लोग लाए हैं। मतलब एकदम पूरा कलाकृति लाया गया है, लाइटिंग से सजा दिया जाएगा, 12 लाख लोग आ रहे हैं सुरक्षा के दृष्टि से? 12 लाख एक दिन में? एक दिन में 12 लाख लोग? हम लोग उम्मीद रखे हैं कि 20 लाख लोग रहेंगे और हम लोग सप्तमी के दिन घी का हलवा, अष्टमी के दिन खिचड़ी रात भर श्रद्धालुओं के लिए बांटते हैं। अच्छा, तो हमें ये बात बता दीजिए साहब की सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 12 लाख लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए।
सबसे पहली बात है कि हम आभार प्रकट करते जिला प्रशासन का, जिनका सहयोग हमेशा रहा है और इस वर्ष भी रहेगा, क्योंकि उनके सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा पूजा का आयोजन करते हैं। हमारे 500 वॉलेंटियर्स रहते हैं यहाँ पे मौजूद, उसके साथ साथ जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अच्छा, जिला प्रशासन का सहयोग रहता है। अभी आपके साथ टीम में कौन कौन लोग बैठे हैं थोड़ा सा बता दें। हमारे साथ हैं रविशंकर, लल्लू जी मुख्य सदस्य हैं, ये बताएंगे सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या चौक चौधन किए जा रहे हैं। हमारे क्या किया जा रहा है सर सुरक्षा की दृष्टि से, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति जो है हर साल सुरक्षा के दृष्टि से पूरा अपने टीम को लगाती है, और पूरा प्रशासन कोतवाली थाना से लेके नागमंगला चौराहे तक चप्पे चप्पे पे पुलिस का तैनाती रहता है। महिला पुलिस बल, पुरुष पुलिस बल, बजाबते डीएसपी, महिलाओं के लिए अलग से, हाँ महिलाओं के लिए अलग रास्ता बना हुआ है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, उसका बैरिकेटिंग अलग से किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा से एक एक लोग पे नजर रहता है, और प्रशासन और हमारे वॉलेंटियर सब लोग सुरक्षा में लगे रहते हैं कि किसी तरह का कोई अहित ना हो। बिल्कुल, तो कोई अहित ना हो इसके लिए पूरा सिक्योरिटी का भी व्यवस्था किया गया है। इन्होंने दावा किया है कि एक दिन में लगभग 12 लाख लोग आएंगे, और उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी पूरा किया जा रहा है। उसके बाद तमाम तरीके की कलाकृति भी बनाई जा रही है, जो बच्चों के लिए काफी शानदार होगा, बच्चे काफी उत्साहित होंगे उसे देख के। और इन्होंने बताया कि ये जो पंडाल बना हुआ है ये फाइबर का बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च करके ये पंडाल बनाया गया है, लाखों रुपए खर्च करके इस पंडाल का निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ इसे इस तरीके से बनाया गया है ताकि जितने भी लोग आए इसका दर्शन कर सके, इसको देख सके। बाकी इस पंडाल को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी देखने आने वाले हैं यहाँ पे, तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।